अंबिकापुर के कोतवाली पुलिस ने एक इनोवा वाहन में अवैध अंग्रेजी शराब भरकर सिंगरौली मध्य प्रदेश शराब भट्टी से लाकर असली में खपाने हेतु लाया जा रहा है, जिसे जब्त कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जब्त शराब की कीमत लगभग 1,56,000 रूपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि इस बारे में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए तत्काल पुलिस टीम ने प्रतापपुर नाके में घेराबंदी कर संदिग्ध वाहन को रुकवाकर गवाहों की उपस्थिति में वाहन की तलाशी ली, जो वाहन के ड्राइवर आरोपी राकेश कुमार साकिन ठनगल पारा के कब्जे से अलग अलग कंपनियों के अवैध अंग्रेजी शराब और बियर कुल 331.840 लीटर मिली है, जिसकी कुल कीमत करीब 1,56,000 के आसपास बताई जा रही है। वहीं अवैध अंग्रेजी शराब को पुलिस ने जब्त किया और आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उक्त अवैध शराब राजनारायण जायसवाल साकिन लखनपुर की मध्य प्रदेश स्थित शराब भट्टी से लाई जा रही है, जो कि आरोपी राजनारायण जायसवाल के लिए 12 पेटी शराब और एक अन्य विक्रेता संत गुप्ता साकिन सीतापुर नौ मैनपाट में बिक्री के लिए 20 पेटी अवैध शराब लाना बताया, जो प्रकरण के तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। अंग्रेजी शराब जो है उसमें जब्त की गई है, और ये जो व्यक्ति है एक ट्रांसपोर्टर का काम करता था, मुख्य रूप से राजनारायण जायसवाल शराब तस्कर का इसमें नाम सामने आया, जो लखनपुर का निवासी है और इसका मध्य प्रदेश के सिंगरौली में शराब के ठेके चलते हैं, जहां से ये शराब मंगाता था और जिसे ये खपाता था। साथ ही साथ एक संतू गुप्ता का भी नाम आया।